सोल प्रोपराइटरशिप का क्या अर्थ होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। सोल का मतलब होता है एकल स्वामित्व यानी कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो अपना कोई काम करता है कोई बिजनेस करता है और वो उसका अकेला ही मालिक है यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने ही नाम से या बिना किसी पार्टनरशिप के या बिना अपनी फर्म को प्राइवेट लिमिटेड किए अकेले अपने ही स्वामित्व में कोई काम करता है कोई बिजनेस करता है तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म कहते हैं यानी कि जो फर्म बनती है कोई भी कंपनी बनती है वो अलग अलग तरीके की हो सकती है एक तो सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकती है जिसमें एक ही व्यक्ति अपने ही नाम से या अपने किसी फर्म के नाम से काम करता है मालिक एक ही होता है इसके बाद कोई एलएलपी हो सकती है या पार्टनरशिप फर्म होती है यानी कि आपने देखा होगा दो लोग पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो वो जब बिजनेस करते हैं तो या तो कोई पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर कराते हैं या फिर एलएलपी यानी जिसे लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म कहा जाता है या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहा जाता है वो रजिस्टर कराते हैं उससे ऊपर फिर आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं यानी कि कंपनी के जो मालिक होते हैं उनको डायरेक्टर्स कहा जाता है और उनको अलग अलग उनकी शेयर होल्डिंग वैल्यू होती है यानी कि हो सकता है किसी के पास पचास प्रतिशत हो किसी के पास दस प्रतिशत हो ऐसे ऐसे करके अलग अलग कंपनी के मालिक हो सकते हैं और फिर कोई कंपनी ऐसी होती है जो पब्लिक में चली जाती है यानी कि पब्लिक में भी उसके शेयर लोगों के पास होते हैं तो ऐसी कंपनी को लिमिटेड कंपनी कहा जाता है यानी कि जो शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड होती है तो ऐसी कंपनी को लिमिटेड कंपनी कहते हैं ये भी प्राइवेट लिमिटेड का ही एक ऊपर का वर्जन आप इसे समझ सकते हैं तो इस तरीके से जो अलग अलग कंपनीज होती हैं उसमें जो सबसे बेसिक यूनिट है यानी कि जो कोई भी आदमी मान लीजिए कोई छोटा सा काम अपना शुरू करता है तो वो नाइन्टी हो सकता है कि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में ही काम करे यानी कि अपने ही नाम से या कोई बिजनेस नेम रख भी वो काम कर सकता है अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें